अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, मज़ेदार वाले पकोड़े। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। साथ में बटन दिया हुआ है बेल का, वो भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। ठीक है जी, तो आज देखते हैं हम पकौड़े कैसे बना रहे हैं। तो जी मैं बना रही हूँ मज़ेदार वाले, जो है ना ये बन रहे हैं बैंगन। मैं इनको ऐसे गोल गोल काटूंगी, ठीक है। और हम बना रहे हैं पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, ठीक है जी। इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है, ठीक है। अंदर से भी देख लेते हैं, बिल्कुल साफ है ये, ठीक है। और बस और ये डंडियाँ जो है इसकी हम निकाल लेंगे, ये भी जो है ये भी काट लेते हैं। अच्छा, इसको पानी में हम डिप कर देंगे। सारे मैंने पानी में इसको डिप कर दिया है ताकि ये काले ना हो, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या करना है हमने। तो जी एक बॉल ले लेंगे, एक बॉल में जो है हम डालेंगे बेसन, ठीक है। बस और जी ये है जीरा, हाथों की मदद से, ठीक है जी। और ये कुटा हुआ धनिया है, ये ले लेंगे। नमक, साथ में कुटी हुई मिर्चें, पानी की मदद से इसको पहले इसको कर लेंगे हम मिक्स सारे मसाले को, ठीक है। इसका एक पेस्ट होता है वो हमने तैयार करना है, ठीक है। थोड़े थोड़े पानी से इसको घोलना शुरू करेंगे ना तो ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको तलना शुरू करते हैं। तो जी ऑयल हो गया हमारा तैयार, इसको हमने इस तरह से डालना है और पकोड़े हो जाएंगे हमारे तैयार। बस अभी इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी फ्राई हो रहे हैं हमारे पकोड़े बैंगन के, और बड़े मज़े के बनते हैं रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, ये बच्चों को भी बहुत पसंद हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसको हमने ऐसे करना फ्राई और ये निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं सारे के सारे जब मैं बना लूँगी, ठीक है जी।
कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसको निकालेंगे इस प्लेट में। ठीक है, और भी हैं वो भी बना लेते हैं। ये देखिए जी, थोड़े से ये बन गए थे, मैंने निकाल के आपको दिखाए, थोड़े से ये रहे, अब ये बन रहे हैं, ये भी अब ब्राउन हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर हम इसको इसे पलट देंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग इसको पलट दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए कितने मज़ेदार वाले बनेंगे ये बैंगन के पकोड़े। तो जी अब ये भी पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बस ये देखें, ये सारे ही बन चुके हैं। ठीक है, देखें कितने अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह से। चटनी के साथ बनाए, पुदीने के चटनी के साथ या केचप के साथ आप लोग खाएं, रमज़ान के लिए ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाते हैं वो तो हम आपको कल ही बताएंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।